को जो है ना पूरी ईमानदारी से क्या कर लोगे, कंप्लीट कर लोगे। ठीक है, आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बेरवादार ठोस कौन है, यानी इन चारों में से आपको बतलाना है कि इनमें बेरवादार ठोस कौन है। ये आपके बिहार बोर्ड 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके सामने है, हीरा, नमक, ग्रेफाइट, प्लास्टिक। तो आपको मालूम है कि इनमें आपका बेरवादार ठोस जो है आपका नमक, हीरा, ग्रेफाइट जो है आपका नहीं है, आपका प्लास्टिक जो है आपका क्या है, बेरवादार ठोस है। ठीक है, आपका हीरा हो गया, आपका नमक हो गया और आपका जो ग्रेफाइट हो गया, ये तीनों जो है आपका रवादार ठोस है और आपका प्लास्टिक जो है बेरवादार ठोस है। तो इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्लास्टिक। ठीक है, तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन रवादार ठोस पदार्थ है, यानी आपको क्या करना है, इन चारों में से आपको बतलाना है कि कौन रवादार ठोस पदार्थ है। ठीक है, हीरा है या कांच है या प्लास्टिक है या रबड़ है। तो आप लोग को मालूम होना चाहिए, इनका राइट आंसर हो जाएगा हीरा। ठीक है, चलिए तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपका जो है 2021 बिहार बोर्ड में आपका आया हुआ है। क्वेश्चन आपका है, दूध उदाहरण है किसका है, सॉल का है या नीलम्बन का है या फिर या पायस का है या जेल का है। इन चारों में से इनका राइट आंसर आपको मालूम होना चाहिए। दूध जो है पायस का उदाहरण है। ये भी क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप क्या कर लोगे, पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। क्वेश्चन नंबर आपका जो है चौथा है, शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ये भी क्वेश्चन जो है आपका बिहार बोर्ड 2019 में आया हुआ है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी आप क्या कर लोगे, इनके आंसर को पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लोगे। तो आप लोग को मालूम है ना शुद्ध जल का पीएच मान होता है। ऑप्शन आपके सामने दिया हुआ है, 2, 4, 7, 3। ठीक है, तो शुद्ध जल का पीएच मान जो है होता है, आप लोग को मालूम होना चाहिए, 7 होता है। ठीक है, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7। इनको कंप्लीट कर लेना। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका, पांचवा क्वेश्चन आपका है, जो आपके लिए वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है। ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड 2020 में आया हुआ है। तो जितने भी 12th के विद्यार्थी हैं उन सभी विद्यार्थियों से मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है बाबू, इन पांचों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर पूरी ईमानदारी से कंप्लीट कर लेना, क्योंकि वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट है। ऑप्शन आपका सामने है, 14, 7, 12, 8, यानी क्रिस्टल तंत्रों की संख्या होती है, कितनी होती है, 14 या फिर 7 या फिर 12 या 8, इन चारों में से एक राइट आंसर आपका है। तो याद रखना बाबू, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या जो है होती है 7। ठीक है, मूल क्रिस्टल तंत्रों की संख्या कितनी होती है, 7, याद रखना। ठीक है, कितनी होती है, 7। ये क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज हमने 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बतलाया है। ये सारे 5 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी मस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इनको ज़रूर कंप्लीट कर लेना।